साल 2022 की विदाई की बेला में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर प्रभारी तुलसी सिलावट और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले में किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए बीत रहे वर्ष में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना की और कहा कि ग्वालियर को विकास के नए पायदान पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तत्पर है। इसके साथ ही ग्वालियर में 2022 में जहां एलिवेटेड रोड की बड़ी सौगात मिली है जिससे ग्वालियर यातायात के मामले में नई ऊंचाई छुएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य बड़े विकास कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेजी से कर रही है। ग्वालियर को एक बड़ी सौगात 778 करोड़ रुपए की 7 किलोमीटर एलिवेटेड रोड द्वितीय भाग की मंजूरी माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब इनके प्रयास से, माननीय नितिन गडकरी जी ने